हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? ऑब्वियसली अच्छे ही होंगे। और कुछ नया मेरा हेयर कट आपको दिख रहा होगा, ये मैंने खुद ही कारस्तानी करी है घर पे बैठ के। लॉकडाउन में अपने ट्रिमर्स वगैरह को साइड में रख दो अगर इस चीज़ से बचना है तो, लेकिन मैंने कर ली खैर। और फिलहाल अभी मैं आया हूँ ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग करने। बेसिकली ये मॉल है और थोड़ी बहुत क्रिसमस की भी लाइटिंग्स वगैरह भी लग चुकी हैं, यहाँ पर काफ़ी रौनक है। सो आज ब्लैक फ्राइडे है आज, सो मैंने सोचा कि चलो मेरे को जैकेट लेनी थी क्योंकि मैं दिसंबर के अंदर जा रहा हूँ नॉर्थ साइड में, वहाँ ठंड काफ़ी होती है। और हालांकि है मेरे पास जैकेट्स ऑलरेडी उस तरीके की ठंड के लिए, लेकिन एक्चुअली मेरे को चाहिए थी कि यहाँ पे बारिश के साथ साथ ठंड पड़ती है एक तरह से, तो गीली भी आती है जैकेट्स ना, तो मेरे को चाहिए थे कि मेरे को ठंड भी ना लगे और बारिश में गीला भी ना हो, उस तरीके की मैं जैकेट देखता हूँ। और ब्लैक फ्राइडे चल रही है सेल अभी, तो काफ़ी सेल में सही प्राइस मेरे को मिल सकती है चीज़। और दूसरा शूज़ भी, सारे मैं स्नीकर्स पहनता हूँ, वो वाटरप्रूफ नहीं होते ना, तो थोड़ा शूज़ भी देखेंगे कि कोई ऐसा शू मिल जाए अच्छा, दिखने में भी अच्छा हो और वाटरप्रूफ भी हो। सो बस आपको अभी इसी व्लॉग में दिखाएंगे कि क्या क्या मैं लूँगा, और साथ साथ नज़ारे भी दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पर टाउन में कैसी रौनक लगी हुई है। अभी ये हमारी जो दिवाली वाली रौनक होती है वो यहाँ पर क्रिसमस पे आती है। सो क्रिसमस आने वाला है आज 27 तारीख है मेरे ख्याल से। सो एक महीने पहले डेकोरेशन शुरू कर देते हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पूरा ऐसे इन्होंने ट्री सा बना के लगाया हुआ है। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के अंदर, अभी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा, सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। ये आर्टिफिशियल पेड़ लगाया गया है, कोई मतलब नहीं, आर्टिफिशियल तो नहीं है, असली शायद मेरे ख्याल से। देखते हैं इसको जाके पास से। दिस इज अ रियल ट्री भाई, असली का पेड़ है ये, बस काट के इसको लाए हैं यहाँ पर। और इतने बड़े बड़े सीमेंट के जो ब्लॉक्स आप देख रहे होंगे, ये क्रेन से उठा के रखा गया होगा बेसिकली, लेकिन लाए कैसे होंगे यार इसको इतने बड़े पेड़ को। ये देखो आप, ये सेंटर है बिल्कुल पानी के बीच में इस शहर का, और ये इन्होंने वहाँ पर भी क्रिसमस ट्री लगा रखा है। और जिस दिन ये ट्री को लगाते हैं उस दिन यहाँ पर पटाखे वटाखे भी फोड़ते हैं, लेकिन इस बार वो भी कोरोना के चलते हुए पटाखे तो फूटे थे, लेकिन पब्लिक को यहाँ खड़ा होना अलाउड नहीं था, सबने ऑनलाइन देखे हैं पटाखे। क्या दिन आ गए यार, ये देखो COVID-19 टेस्ट स्टेशन, ये पूरा एरिया उसके लिए बना रखा है। कहाँ यहाँ रौनक लगती थी इस टाइम पर। लॉकडाउन के बाद भी यहाँ अच्छी खासी भीड़ है मॉल में, लेकिन सबने मास्क वगैरह लगाए हैं, और कुछ कुछ महानुभाव हैं जिन्होंने मास्क नहीं लगाए हुए। और अभी हम देखेंगे इस वाली शॉप में कोट गैलेरिया, और देखते हैं इसमें कौन कौन सी जैकेट्स अवेलेबल हैं। सो बेसिकली ये है यहाँ का ब्रांड हेले हैंसन, और ये बनाते ही इसी तरीके की जैकेट्स हैं। और अभी जो एक नई चीज़ मेरे को पता लगी है, मेरा टकला बड़ा चमक रहा है यार लाइट के अंदर, और अभी जो नई चीज़ मेरे को पता लगा, रुको मैं थोड़ा, हाँ, और अभी जो नई चीज़ मेरे को पता लगी है वो ये है कि वाटरप्रूफ का मतलब ये नहीं है कि आप बारिश में जा रहे हो और आप भीगोगे नहीं, हालांकि मतलब तो यही है वाटरप्रूफ का कि पानी से आप भीगोगे नहीं, लेकिन वाटरप्रूफ की और डेप्थ में मेरे को यहाँ जो है एक सेल्समैन, उन्होंने बताया कि हेले हैंसन की ऐसी ऐसी जैकेट्स भी हैं जो कि अगर आप 15-15 दिन नॉन स्टॉप अगर पानी में पहन के खड़े हो बारिश में, तो भी आप गीले नहीं होगे। तो इनके कुछ मिलीमीटर, जैसे हम बारिश को नापते ना कि इतने मिलीमीटर की बारिश हुई है ऐसे करके, तो इनकी रेटिंग भी उसी हिसाब से है कि ये जो जैकेट्स हैं कितने दिन तक पानी में आप इनको रह सकते हो पहन के सूखा। सो मेरे को ये चीज़ पता नहीं थी, मेरे को लगता है कि चल वाटरप्रूफ तो वाटरप्रूफ ही है, लेकिन हालांकि भाई ने जब भी बताया कि ऐसा नहीं है, अलग अलग टाइप की जैकेट्स हैं, आपको किस चीज़ के लिए चाहिए। तो मैंने बताया कि मेरे को तो यार 4-5 दिन तो अपने को बाहर नहीं रहना, बस मैक्सिमम 4-5 घंटे के लिए चाहिए। सो मेरे को पसंद आई हैं 2-3, अभी पहन के दिखाते हैं आपको। बॉडी अभी डाउन लग रही होगी आपको, लेकिन मैंने एग्जैक्ट 1 महीने से एक सिंगल पुशअप तक नहीं मारा है, मैंने पूरे टाइम मैं घर पे पड़ा रहा हूँ। मैं जिम क्योंकि बंद थे, बाहर में करता नहीं और घर में करने का मन करता नहीं। सो ये है अभी मेरी जो कंडीशन चल रही है। हालांकि मैं सोच रहा हूँ कि इस पर भी मैं बनाऊँ एक वीडियो के, 1 महीना बिना वर्कआउट करके फुल शेप में से बंदा किस लेवल तक गिर सकता है। हालांकि मैं कुछ गलत नहीं खा रहा हूँ, खा मैं ठीक ठाक ही रहा हूँ। सो बस आपको कुछ पहन के दिखाते हैं जैकेट्स। ये सिर्फ एक लेयर है लेकिन काफ़ी लाइट वेट है। प्राइस सुन के थोड़ा सा मैं भी हैरान हुआ था, आप भी हो जाओगे, कि 3,000 करोन की है। अब करोन का इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन आप लोग कर लेना।
मेरे को चाहिए कलरफुल सी जैकेट चाहिए मेरे को ना, डल कलर है, ब्लू और ब्लैक मेरे को नहीं पसंद आता, क्योंकि ये बेसिकली आप पहनते कब हो, जब आप आइस में होते हो, स्नो में होते हो, तो आपको फोटो भी तो खिंचानी है यार इंस्टाग्राम के लिए, तो आपने कुछ ऐसा ब्राइट कलर आपने पहना हुआ है तो अलग से दूर से ही आप बड़ा मतलब स्टैंड आउट दिखते हो फोटो के अंदर ना, मेरे को अच्छा लगता है। पता नहीं मेरे को कलर्स पसंद है, मैंने ये वाली जैकेट भी अपनी ली थी यूके से, मैंने ये भी ऐसे ही कलर लिया था येलो, हालांकि शहर को नहीं पसंद आते कलर्स, उसको बेसिक ब्लू और ब्लैक आता है, लेकिन मेरे को ब्लू ब्लैक नहीं चाहिए। और ये सिर्फ लेयर है, जैसे कि रेन कोट बोल सकते हो आप, ये ऊपर से पहनने वाला मेरे को पसंद नहीं आता, बड़ा प्यारा इसका, लेकिन अंदर लेयर पहननी पड़ेंगी। इसलिए नहीं पसंद मेरे को ऊपर से पहनने वाली ना, अब दिख गए मेरे। मैं हालांकि वैसे साइज लेता हूँ लार्ज, लेकिन ये नॉर्वेजियंस वैसे ही बड़े वाइकिंग्स जिनको बोलते हैं, काफी तगड़े होते थे भाई, तो उनके हिसाब से मेरे को मीडियम आ रही है इनके साइज की। हाँ लगे लार्ज लूंगा अगर तो आएगी, तो लार्ज भी आएगी तो डबल एक्सेल भी, लेकिन थोड़ी ढीली आएगी। क्या लगता है आपको, ये मे मीडियम है, कैसी लग रही है बताओ? ये काफ़ी मतलब लग रही है कि ठंडा वंडा, जिप तो बंद कर लो। हालांकि कलर देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ के हिसाब से ये लोग जो वर्कर्स नहीं होते अपने ये रोड पे या मतलब कोई भी काम करें, कंस्ट्रक्शन का काम करें, वो लोग पहनते हैं इस कलर को, है ना। और इसकी प्राइस है भाई, इसकी क्या प्राइस है? थैंक्स सर, मिले ये भाई सा 3,000 crore। सो ही इज आमिर एंड ही इज फ्रॉम इराक, और जैसे कि पता है हम इंडियंस को डिस्काउंट की ज्यादा लालच होता है, सो आई आस्क्ड हिम टू गिव मी सम मोर डिस्काउंट एंड ही सेड ही वाज स्लमडॉग मिलियनेयर एंड इज अ बिग फैन ऑफ दैट मूवी। So I told him that I'm from India. So he told me he was Slumdog Millionaire. So how much is Slumdog giving me now? 25. Only 25? Yeah. Plus 5%. No, I can. You get 10% extra at 25. And what was the basic discount on this one? 15? 50. So he gave me 10% discount extra just because that he loves Slumdog Millionaire and I'm also from India. So what do you mean to say? I'm a Slumdog or I'm a Millionaire? I mean, both of them. We all slum dogs, but some of us are medium. Yeah, one day. So मैं ये वाली ले रहा हूँ medium और 25% discount है and काफी अच्छे हैं भाई ये. Just seeing them. Do I need to wear this sock also or I can just wear it? No, you can choose. It's the sock, so you don't have to have something inside. This is very soft. Yeah. So सिर्फ jacket ले रहे हैं हम, क्योंकि shoes का ना size सही था नहीं, तो फिर यहाँ check करते हैं. तो व्हाट्स द प्राइस आफ्टर डिस्काउंट? 2,250 crore की पड़ी, 3,000 की थी, थैंक्स टू आमिर भाई गिविंग मी सच अ गुड डिस्काउंट। थैंक यू आमिर, थैंक यू, थैंक यू, बाय। और ये चीज़ मेरे को कुछ नई देखने को मिली है, हेल्दी ईट्स नाम से, और ये कुछ इस तरीके की इनकी सैलड्स हैं, इनके बस 3 ही सिंपल स्टेप हैं, मील चूज़ करो इनमें से, अपने कार्ड को टैप करो उस तरफ और ना लेके चले जाओ, ऐसे इस तरीके से आपकी मील्स हैं और चूज़ करके आप पेमेंट करो, ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। दैट्स रियली नाइस यार, काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के, सो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखाता हूँ। सो बाकी शूज़ तो अभी नहीं मिल पाए यार, क्योंकि जो मेरे को चाहिए था वो था नहीं, और एक बार आपको चीज़ पसंद आ जाती है तो फिर कुछ और चीज़ पसंद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो बस मैं सोच रहा हूँ वही वाला लूँगा और उसको ऑनलाइन चेक करूँगा घर जाके मैं। तो फिलहाल इस व्लॉग में अभी इतना ही था, और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद, और प्लीज़ अगर यहाँ तक देख ही रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है, और कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले व्लॉग में, टिल देन सी यू, टाटा, नमस्कार, बाय बाय।